तो अब अगर तहरीके इंसाफ का कोई बंदा यहां वोट मांगने आए तो उसको कहना कि साफ चली शफाफ चली की हकीकत जरा आवाम से सुनते हुए जाना, उसको कहना कि 70 करोड़ में एक एक सेनेट की सीट का सौदा हो रहा है। डस्का के लोगों ये जानते हो ना, ये वीडियो जो बड़ी चालाकी से रिलीज की है जिसमें तहरीके इंसाफ के लोग तहरीके इंसाफ के लोगों को रिश्वत दे रहे हैं। वीडियो रिलीज करने वाले भी खुद, वीडियो बनाने वाले भी खुद, पैसे लेने वाले भी खुद, पैसे देने वाले भी खुद। दसका की आवाम क्या आपको समझ नहीं आ रही? आज बड़े मासूम बनते हो, बड़े मासूम बनते हो, कहते हो कि ऑपोजिशन आज शो ऑफ हैंड्स में मेरा साथ नहीं दे रही। ऑपोजिशन तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दे रही कि ऑपोजिशन जानती है कि अभी 2 साल पहले जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उसमें किसने वोट चोरी किए थे। और आज जब तुम्हारे अपने एमएनए और एमपीए खिसक रहे हैं तो तुमको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। ऑपोजिशन तुम्हारा साथ कभी नहीं देगी। अब तुम नवाज शरीफ से जितना चाहे एनआरओ मांगो, तुमको एनआरओ नहीं मिलेगा। और ऊपर से कहता है टीवी में कि अगर शो ऑफ हैंड्स ना हुआ, अगर खुफिया वोटिंग हुई तो बाद में ऑपोजिशन वाले ही रोएंगे। वाह 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 वाह, इतना तुम्हें ऑपोजिशन का ख्याल कब से आना शुरू हो गया? इतनी हमदर्दी तुम्हें ऑपोजिशन की कब से होनी शुरू हो गई? मेरे भाइयों याद रखो, मुस्लिम लीग नून को देखो, मुस्लिम लीग नून की 5 सीटें हैं सेनेट में। मुस्लिम लीग नून को एक भी सीट ना मिले, अगर मैं आपके सामने कहती हूं, अगर एक भी सीट मुस्लिम लीग नून को सेनेट की नहीं मिलती, ना मिले, लेकिन इस झूठे और नाअहल इमरान खान के साथ बैठकर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ कोई बात नहीं करेगा।